हमने एक इवेंट ए के लिए डब्ल्यू वॉल ड्रॉन इज वाइट, इवेंट हमने लिया वॉल ड्रॉन इज वाइट, ठीक। अब ये जो व्हाइट बॉल होगा इट मे बी फ्रॉम जार वन, और ये व्हाइट बॉल मे बी फ्रॉम जार टू। अगर जार वन सिलेक्ट हुआ तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी, जार टू सिलेक्ट हुआ तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन जार वन। इसका मतलब जार वन सिलेक्ट हो चुका है तब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, और जार टू सिलेक्ट हुआ तब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। जार वन में देखिए टोटल बॉल कितने हैं, जार वन में टोटल है 5 + 7 = 12, उसमें से 5 व्हाइट है, सो दिस इज 5 / 12, 5 व्हाइट है और 7 इसमें ब्लू है या फिर ब्लैक है, तो टोटल 12 हो गया, 12 में से 5 व्हाइट। जार टू की अगर हम बात करें तो जार टू में 3 व्हाइट 12 ब्लैक है, 3 व्हाइट 12 ब्लैक, 3 + 12 15 टोटल हो गया, जिसमें कि व्हाइट आपके 3 है। सो दिस इज डब्ल्यू कंडीशनल जे वन डब्ल्यू कंडीशनल जे टू। आगे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल वाज इनफैक्ट टेकन फ्रॉम जार टू, दिस बॉल इज इनफैक्ट टेकन फ्रॉम जार टू, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ हियर यू हैव टू फाइंड आउट जार, या फिर चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल सिलेक्टेड, व्हाइट बॉल सिलेक्टेड इज फ्रॉम जार टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल सिलेक्टेड इज फ्रॉम जार टू। अब इसको अच्छे समझिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, मतलब डब्ल्यू जे टू और ये जो होगा दिस विल बी पी जे टू डब्ल्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डब्ल्यू जे टू और जे टू डब्ल्यू इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको एक बार अच्छे से समझिए। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट जार टू इज सिलेक्टेड, मतलब जार टू ऑलरेडी सिलेक्टेड है और उसमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहां पर उल्टा होता है, यहां पर क्या है कि मैंने दोनों जार में से, मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये दो व्हाइट बॉल जो आया है ये कौन से जार में से आया है, मैंने जस्ट व्हाइट बॉल चूज तो कर लिया, बट ये व्हाइट बॉल जार टू से है इसकी हम प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालते हैं। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जार टू फ्रॉम इफ द बॉल इज व्हाइट, द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, but we have to find out the probability whether it is from jar 2 or not, so this is probability of jar 2 conditional w according to this formula bi conditional a p bi p a conditional bi, so yahan par ho jayega p j 2 into p w conditional j divided by, ab denominator mein total hoga, total matlab summation, matlab jar 1 ka bhi aur jar 2 ka bhi। अब जार वन का क्या होता है, जार वन का होगा पी जी वन फिर डब्ल्यू कंडीशनल जे वन, जो है जार वन के लिए प्लस जार टू के लिए पी जे टू पी डब्ल्यू कंडीशनल जी टू। अब यहां पर हमें वैल्यू छोटा होता है, तो समझिए अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट डाउन करना, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट वैल्यूज पी जे टू 1/2 डब्ल्यू जे टू, डब्ल्यू जे टू 3/15, 3/15 मतलब 1/5 डिनोमिनेटर में, जे वन 1/2 डब्ल्यू जे वन 5/12 प्लस जे टू 1/2
WJ2 1/5, ये जो 3/15 है बेसिकली इट इज 1/5, कटिंग करने के बाद 1/5 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी जगह पर 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन लेके कैंसिल आपने कर दिया, न्यूमरेटर में बच गया 1/5, डिनोमिनेटर में 5/12 प्लस 1/5, तो दिस इज 1/5 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 5 16 का एलसीएम ऊपर चला जाएगा, 5 5 25 प्लस 12 1 12, 5 6 इधर कट हो गया 12 अपॉन 25 प्लस 12 दैट इज 37। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 7। डाउट होगा तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। कल शाम को सब लोगों ने लॉक टेबल साथ में रखना है, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ भी रहेगा, आपको पढ़ाया गया लॉक टेबल कॉलेज में भी, तो कल शाम को लॉक टेबल डिस्कस करना है। ओके, क्वेश्चन 7, डॉक्टर इज कॉल्ड टू, एक बार क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए अच्छे से, वर्ड प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा लेंथी है। डॉक्टर इज कॉल्ड टू सी अ सिक चाइल्ड, द डॉक्टर हैज प्रायर इंफॉर्मेशन दैट 80% ऑफ द सिक चिल्ड्रन इन दैट एरिया हैव द फ्लू व्हाइल द अदर 20% आर सिक विद मिसल्स, ठीक है, अज्यूम दैट देयर इज नो अदर डिजीज इन दैट एरिया, और कोई डिजीज है नहीं, दो ही डिजीज वहां पर है, ठीक। अब 80% 20% में दिया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फिर अगेन हम एज्यूम करेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ सिक चिल्ड्रेन, टोटल नंबर ऑफ सिक चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 100, देयरफॉर एनएस जो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एक इवेंट हम ए लेते हैं, सो लेट ए इज इक्वल टू इवेंट चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम फ्लू, तो फ्लू वाले कितने चिल्ड्रन है आपके पास, 80% फ्लू वाले है ना, 80% फ्लू वाले है, सो देयरफॉर एन ए इक्वल टू 80 एंड देयरफॉर पी ए इक्वल टू 80/100। दूसरी जो बीमारी है वो है दूसरा इवेंट चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम, यम ई एस एल ई एस मिसल्स, कौन सी बीमारी देख लीजिए, तो इसमें कितने हैं। अब यहां पर ये भी बोल सकता है 20% तो बोला है उसने, फिर रेस्ट भी बोल सकता है, रेस्ट मतलब बाकी बचे हुए, तो बाकी बचे हुए कितने हो गए, अगर इधर 80 है तो बचेंगे 20, सो पी भी हो जाएगा आपका 20/100, दो अलग अलग बीमारियों के कारण लड़के बीमार हो सकते हैं। आगे, देयर इज नो अदर डिजीज, अ वेल नोन सिम्टम ऑफ मेसल्स इज रैश, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स इट इज नोन दैट चांसेस ऑफ हैविंग रैशेस गिवन दैट सिक चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेसल्स इज 0.95। अब यहां पर हम एक रैशेस का इवेंट लेते हैं, लेट सी इवेंट चिल्ड्रेन हैविंग रैशेस, चिल्ड्रेन हैविंग रैशेस। अब जो पास्ट स्टडी से जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है, इट मींस व्हाट, दे आर अज्यूम टू बी अ प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक
यहाँ पर जो पॉइंट 95 दिया हुआ है, इट इज चांसेस ऑफ हैविंग रैशेस गिवन दैट सिक चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेजल्स, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस गिवन दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू या फिर मेजल्स, मेजल्स बोला बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस गिवन दैट चिल्ड्रन इज सफरिंग फ्रॉम मेजल्स, तो उसमें कितना है 0.95, सो इट इज बेसिकली 95/100। एंड आगे और उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया होगा फ्लू के लिए भी, हाउएवर ऑकेजनली चिल्ड्रन विद फ्लू ऑल्सो डेवलप रैशेस विद चांसेस ऑफ 0.08, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस गिवन दैट ही हैज फ्लू, फ्लू मतलब फ्लू मीन्स इवेंट ए, तो दिस इज सी कंडीशनल ए व्हिच इज इक्वल टू 0.08, दैट इज 8/100। नेक्स्ट, अपॉन एग्जामिनिंग द चाइल्ड द डॉक्टर फाइंड्स अ रैश, डॉक्टर फाइंड्स अ रैश, रैश तो है उसे, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेसर, ठीक है, तो रैश इज ऑलरेडी नोन नाउ, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा बीमारी, मेसर्स, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेसर्स इफ रैशेस आर फाउंड, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेसर्स इफ रैशेस आर फाउंड, अब ये उल्टा हो गया यहां पर और यहां पर ये उल्टा हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेसर्स, मेसर्स मतलब बी, गिवन नाउ गिवन आर व्हाट, रैशेस आर फाउंड, रैशेस मतलब सी, तो ये पी सी कंडीशनल बी था, दिस इज पी बी कंडीशनल सी, दोनों चीजें उल्टा है, उल्टा पुल्टा काम ही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, बेस थ्योरम अच्छे से समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन क्या है, गिवन इज बी, गिवन बी मतलब आपको मालूम है कि ये जो जो भी सिक चिल्ड्रेन है या फिर जो भी सिक चाइल्ड है ही इज सफरिंग फ्रॉम मेजल्स, ये मालूम है, दिस इज गिवन, एंड देन इन दैट केस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस इफ मेजल्स इज देयर, एंड हियर इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजल्स इफ रैशेस आर देयर, दोनों अलग अलग चीज है। अब इस केस में मुझे आगे यूज करना होगा क्योंकि जो रैशेस वाले होते हैं दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रैशेस या तो आपको मेजल्स के कारण भी हो सकते हैं फिर फ्लू के कारण भी हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर चाहिए कि जो रैशेस है ये मेजल्स के कारण हुए कि नहीं हुए वो देखना है, फार्मूला के हिसाब से जब हम फार्मूला डालेंगे पी बी कंडीशनल सी, सो इट इज पी बी इंटू पी सी कंडीशनल बी डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में टोटल आएगा, टोटल मतलब पी ए इंटू पी सी कंडीशनल ए प्लस पी बी इंटू पी सी कंडीशनल बी, ये हो गया टोटल, ये फ्लू के कारण ये मेसल्स के कारण, और हमें निकालनी है प्रॉबर्टी ओनली मेसल्स, लेट अस पुट डाउन द वैल्यू, पी बी कितना है 20/100, सी बी 95/100 डिवाइडेड बाय पी ए 80/100 एंड पी सी ए इट इज 8/100 प्लस पी बी 20/100 into PC conditional B, it is 95/100. अभी calculation बस हमें करना है, numerator denominator दोनों का सेम हो जाएगा 100/100 जो कि एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा, numerator में बचेगा 20/95, denominator में 80/8 plus 20/95 कैलकुलेशन यहां पर कर लेता हूं मैं, 95/2
न्यूमरेटर हो गया 1900, डिनोमिनेटर हो गया 2540, नीचे जीरो तो वैसे ही कट हो जाएगा। फिर टू से अगर हम कट करते हैं तो होगा 95 अपॉन 27। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। गिवन आपने अच्छे से एक बार लिख लेना है और फिर रिक्वायर्ड क्या है उसे समझना है, फिर तो बेस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते। ये ध्यान में रखना पीसीबी और पीबीसी दोनों अलग अलग चीजें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स थ्री कॉइंस, टू फेयर कॉइंस एंड वन फेक टू हेडेड कॉइन इज पिक। अ कॉइन इज पिक रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स एंड टॉस। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इट लैंड्स हेड अप, इट हैपेंस टू बी हेयर। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इट इज द टू हेडेड कॉइन। तो दो अलग अलग चीजें यहाँ पर, दो अलग अलग चीजें है। बॉक्स में आपके पास तीन कॉइन है, तीन में से दो कॉइन फेयर कॉइन है और एक कॉइन फेक है। मैंने बताया था आपको शोले में जो अमिताभ बच्चन के पास कॉइन था, ठीक है, कि जिसके दोनों साइड पर हेड ही है, ठीक, एक फेक कॉइन है, दो अच्छे कॉइन है। तो यहाँ पर दो अलग अलग इवेंट हो जाएंगे क्योंकि आप तीनों में से कोई एक कॉइन अगर निकालते हैं तो या तो आपका कॉइन जो होगा वो अच्छा कॉइन निकलता है तो चलिए ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि फेक कॉइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर तो अलग अलग इवेंट होंगे। लेट ए फेयर कॉइन इज सिलेक्टेड, या तो बी होगा फेक कॉइन इज सिलेक्टेड। दोनों अलग अलग चीज होगी, फेयर कॉइन और फेक कॉइन। हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हेड की, है ना, दोनों भी केसेस में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें भी हेड है, सेकंड क्वेश्चन में भी हेड ही है। तो हम यहाँ पर एक इवेंट लेते हैं हेड का, हेड ऑकर्स, ये हमारा इवेंट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन केस ऑफ ए फेयर कॉइन इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन केस ऑफ ए फेक कॉइन इज 1। फेयर कॉइन अगर होगा, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन द कॉइन इज फेयर, फेयर कॉइन होगा तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। अगर फेक कॉइन होगा, अब ये फेक कॉइन भी कैसा है कि जिसके दोनों साइड पर हेड है, दोनों साइड पर हेड है, तो हेड का प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा 1। क्यों? दोनों साइड पे हेड है तो आप कितनी बार भी टॉस करेंगे तो आपको हमेशा हेड आना ही है। सो दिस इज अ श्योर इवेंट। यही पर अगर मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में अगर बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, फेक पॉइंट जिसके दोनों साइड पर हेड है, और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन केस ऑफ ए फेक पॉइंट ये वाले थे तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी इसकी बताइए। आज एक भी सवाल ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर फेक कॉइन कितनी होगी। करेक्ट, शांतनु का आंसर तो आ गया, बाकी आप लोग बताइए, आप तक आवाज लेट पहुंचती है। कितने लोग हैं यहाँ पर? 10। अपेक्षा, कल्याणी, अंचल, मंदार, मृणाल, पायल,
पूर्व अविद्या वैष्णवी आचार्य सिद्धेश एब्सेंट प्रणव बोध प्रणव एब्सेंट ओके हाँ बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन केस ऑफ ए फेक कॉइन इन दिस पर्टिकुलर फेक कॉइन कि जिसके दोनों साइड पर हेड है यस करेक्ट मंदार इट इज जीरो करेक्ट अपेक्षा जीरो होगा टेल वहां पर है ही नहीं बेसिकली ये जो फेक कॉइन है बी वाला कॉइन कौन सा है फेक इसके दोनों साइड पर हेड है तो टेल है क्या नहीं है तो अगर आपने ये वाला कॉइन उठा लिया दिस इज गिवन ये कॉइन हमने उठा लिया कौन सा फेक तो टेल आएगा नहीं मतलब जीरो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ठीक है सो दिस वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अब हमारा प्रॉब्लम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं अब ए और बी की भी अगर प्रॉबर्टी निकालें तो पी ए मीन्स व्हाट सिलेक्शन ऑफ फेयर कॉइन अब मेरे पास टोटल कॉइन तीन है दो फेयर एक फेयर तीन कॉइन इस तीन में से मुझे सिलेक्शन ऑफ फेयर कॉइन तो फेयर कॉइन कितने हैं दो सो पी ए इज टू बाई थ्री एंड पी बी फेयर कॉइन एक ही है टोटल तीन में से तो पी बी हो गया वन बाय फर्स्ट वन अब इसमें फर्स्ट सेक्शन हम सॉल्व करते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स हेड अप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सो इट इज इक्वल टू पी एच अब देखिए कंडीशनल नहीं है दिस इज नॉट कंडीशनल यहाँ पर अब दोनों चीजें आप समझेंगे जो हमने सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 ये कंडीशनल नहीं है बस हेड है कि नहीं ये मुझे देखना है कॉइन चाहे फेयर हो चाहे फेक ठीक हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल तो अगर आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हेड आपका या तो आप पहले पी ए मतलब या तो आप फेयर कॉइन चूज करेंगे या फिर मतलब मैं और बोलता हूं या तो आप फेयर चूज करेंगे या आप फेक चूज करेंगे अगर आपने फेयर चूज किया तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है P, H, conditional. अगर आपने फेक चूज किया तो उसमें हेड की प्रॉबर्टी H, conditional. So this is head from fair. This is head from fake. So this is equal to ये कितना है आपका 2 by 3 ये चेंज 1 by 2 PB 1 by 3 HB 1 इधर टू कट हो गया 1/3 + 1/3 दैट इज 2/3 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अनकंडीशनल दिस इज नॉट अ कंडीशनल दिस इज अनकंडीशनल प्रॉब्लम मतलब बेस थ्योरम भी होगा सेकंड इफ इट हैपेंस टू बी हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टू हेडेड कॉइन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन मतलब fake coin if it is head probability of fake coin if it is head मतलब probability of fake coin मतलब b given that it is a head so b conditionally h यहाँ पर जो था h conditional b था ये है b conditionally h now we'll apply base term apply करेंगे PB conditional H is PB into P H conditional B divided by PA PH conditional A plus PB PH conditional B. So this is equal to CD kisna hai 1/3 H conditional B 1. Divided by P A 2/3 H conditional A 1/2 P B 1/3 H B 1 सॉल्व करते हैं यहाँ पर 2 कट हो गया न्यूमरेटर में 1/3 डिनोमिनेटर में 1/3 प्लस 1/3 मतलब 2/3 सो दिस इज 1/2
ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्टिविटी है, तो एक बार मैं एक्टिविटी कंप्लीट लिख लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन भी पढ़िए और फिर एक्टिविटी साथ में लिखते रहिए, एक्टिविटी भी लिखिए। क्वेश्चन मिस्टर एक पोस्ट टू ऑफिस बाय ऑटो कार एंड ट्रेन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग बाय थ्री मोड्स आर respectively, the chances of him being led to the office are respectively. On the particular day he was led to the office, find the probability that he traveled by car. तो इस particular question में क्या है, question number 11 में एक person है X जो कि office जाता है daily, ठीक, and office जाते समय या तो auto लेगा या तो car लेगा या तो train लेगा, तो इसकी अपनी एक individual probability होगी, auto की कुछ probability है, car की कुछ probability है, train की कुछ probability, ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर वो ऑटो से गया तो लेट होगा, इसकी एक प्रोबेबिलिटी है, अगर वो ट्रेन से गया तो लेट होगा, इसकी एक प्रोबेबिलिटी है, अगर वो कार से गया तो लेट होगा, इसके मतलब बेसिकली अगर वो लेट होता है तो उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है, ऑटो के केस में, ट्रेन के केस में और कार के केस में, एंड वी हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 एक्टिविटी है, तो मैं आज पहले जो भी है पूरा लिख लेता हूँ।